घाट आपके साथ रही, तब क्या कुछ कह रही थी वो? वो कुछ नहीं कर रही थी, वो सिर्फ रो रही थी और कांप रही थी दोनों बेटियां। और जब मैं दोनों को गले लगा रही थी तो मुझे उनको चुप कराना चाहिए कि मत रो, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। और सुदेश जी, आप रात यहाँ थी, कैसे शुरुआत हुई, क्या हुआ पूरा मामला, दिल्ली पुलिस और पहलवान आमने सामने क्यों आया? मुझे लगता है कहीं ना कहीं पुलिस का एक मकसद था कि पहलवानों को यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि शाम के टाइम में सभी जो इतने भी समर्थन करने आते हैं सब लोग वापिस अपने घरों में चले जाते हैं। यहाँ कम से ज़्यादा 15-20 लोग ही यहाँ पे रुकते हैं। उसी टाइम का फ़ायदा उठाते हुए मुझे ऐसे लग रहा, क्योंकि कल दिन में पीटी उषा जी आई थी और उनकी बातों में से ये हमारे खिलाड़ी नहीं आए, तो सरकार चाहती थी कि कैसे भी करके इनको हटाया जाए, ताकि उनकी कोशिश थी, लेकिन कोशिश में वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ से हमारे लोग यहाँ पर पहुँच गए तुरंत ही और पुलिस ने अपनी कार्रवाई वहीं पर रोकनी पड़ी। पुलिस ने जो हमारे खिलाड़ियों को धक्का दिया, गंदी गालियाँ दी और उन्होंने पुरुष ने धक्का दिया, ये बहुत ही निंदनीय है। कमिश्नर से मैं पूछना चाहती हूँ, दिल्ली कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर से, कि उस अपराधी को तो आप गिरफ्तार नहीं करवा रहे हो, जिसको तुरंत 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करना था, पोक्सो के FIR दर्ज हुई है, तो उसको तो करवा नहीं पा रहे हैं। दूसरा, उधर जो शिकायत करता है उन्हीं के साथ बदसलूकी कर रही है आपकी पुलिस, और उन्हीं के भाइयों का सिर फोड़ा जा रहा है, दो बच्चों का सिर फोड़ दिया गया जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ है, सारी रात वहाँ रहे हैं, आज सुबह घर वापिस आए हैं। क्या ये पुलिस द्वारा जब ये झड़प चल रही थी तब उस वक्त चोट आई है? जी बिल्कुल, उसी वक्त चोट आई है दोनों को। लेकिन पुलिस कर्मियों का अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि पूरा मामला सिर्फ नोकझोंक का है, पलंग लाए जा रहे थे जिसकी अनुमति नहीं थी और पहलवानों ने जबरदस्ती उस पलंग को अंदर आने की कोशिश की। तो देखिए, अगर पहलवानों को किसी चीज़ की जरूरत है तो पुलिस कैसे रोक सकती है? क्या हम ही देश के नागरिक हैं, हमें जरूरत नहीं? पहले भी पुलिस ने ऐसी ऐसी घटिया हरकतें की हैं, कभी खिलाड़ियों का पानी रोका गया, खिलाड़ियों का खाना रोका गया, तो ये क्यों रोकना चाह रहे हैं? क्या हमें यहाँ कैद करके रखना चाहते हैं? अब कल से मैं देख रही हूँ चारों तरफ से बैरिकेड लगे हुए, हमारे समर्थन में रात को बहुत सारे लोग पहुंचे, यहाँ से यूपी से लोग आए हैं, हमारे यहाँ हरियाणा से आए हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, चारों तरफ से लोग आए, लेकिन जैसे ही बैरिकेड के पास आए उनको बसों में भर भर के डिटेन किया गया और दूर दूर जा जाके अलग अलग थानों में उनको छोड़ा गया और रात को 3 बजे जाके उनको रिहा किया गया। रात की तस्वीर में आपसे जानना चाहूंगी, उस वक्त क्या था मन में, आपकी आंखों में भी हमने आंसू देखा, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, तमाम जो पहलवान यहाँ पर मौजूद थे सब रोते दिखाई दिए, तो क्या चल रहा? क्योंकि हम इसलिए रोना आ रहा था, बेटियाँ जब मैं यहाँ पे बेटियों के पास पहुंची, बेटियां बहुत कांप रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी, दोनों तीनों बेटियां रो रही थी। पहले पहुंची थी जब शुरुआत हुई या हंगामे की? हंगामा होने के करीब 15 या 20 मिनट के बाद मैं यहाँ पे पहुंची थी, मैं घर पे चली गई थी, खाना बना रही थी, उसी 20 मिनट के बाद मैं यहाँ पहुंची, लेकिन उस टाइम भी हमारी तीनों बेटियां कांप रही थी, रो रही थी, और उस टाइम मुझे ये लग रहा था कि हम यहाँ बेटियों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी बेटियां यहाँ भी सुरक्षित नहीं है, जिनको हम अपना सोचते कि कानून के रखवाले ही हमारी बेटियों पे हमला करते हैं, उनके साथ अभद्रता करते हैं, उनको बाल खींचते हैं, उनको धक्का मारते हैं, तो ये कहाँ का न्याय है, कौन सा कानून है? जो कानून का हमारे रखवाली करनी चाहिए वही हमारे साथ अभद्रता करेगा, तो बहुत दुख होता है। ये वो खुला घूम रहा है और जो शिकायत करता है उन्हीं के भाइयों का सिर फोड़ा जा रहा है, तो मेरे को उस टाइम भी बहुत रोना आ रहा था कि मतलब हम किस देश में रह रहे हैं, कि न्याय की आप आवाज़ उठा रहे हैं। मैं देशवासियों से उस टाइम भी मैंने एक सवाल किया था, कुछ लोग बोल रहे हैं कि लड़कियों ने 12 साल क्यों लगाए आवाज़ उठाने के लिए, 12 साल क्यों लगाए? मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ कि 12 दिनों से अगर आवाज़, ठीक है 12 साल देर की वो बेटियों की गलती है, लेकिन अभी 12 दिनों से जो बेटियों ने आवाज़ उठाई तो अब कौन सा न्याय दिला दिया? अब तो उनको मुकदमा तक दर्ज नहीं हो रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा बेटियों को, और मुकदमा दर्ज होने के बाद भी उनको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करना था, जो आज तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। तो अगर आवाज़ उठाई भी है, हिम्मत दिखाई है बेटियों ने एक बाहुबली के सामने, वो कितना खतरनाक, उनकी बातों से आप समझ गए होंगे कि वो इंसान बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो बहुत ही डेंजरस इंसान है, तो लड़कियां ने कितनी हिम्मत दिखाई होगी उसकी और उसका बातें जो दुनिया के सामने रखने के लिए। उसके बाद आज मैं कहूँगी दिल्ली कमिश्नर भी उनको बचाने में लगे हैं, देश के प्रधानमंत्री भी उनको बचाने में लगे हैं, गृह मंत्री भी उनको बचाने में लगे हैं, लेकिन ये बेटियों ने जो देश के सामने अपनी पीड़ा रखी है, पूरा हिंदुस्तान इन बेटियों के साथ है, तो जब तक उन क्रिमिनल जिसने गुनाह किया है उस सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, धरना जारी रहेगा और पूरा हिंदुस्तान बेटियों का साथ है। साफ कर चुके पहलवान खुद की धरना जारी रहेगा जब तक
इंसाफ नहीं मिल जाता, ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। लेकिन रात जो हंगामा हुआ, जो तस्वीर हम सब ने देखी वो बेहद शर्मनाक थी। इसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, तब आप इनसे मिली होंगी, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट आपके साथ रही, तब क्या कुछ कह रही थी वो? वो कुछ नहीं कर रही थी, वो सिर्फ रो रही थी और कांप रही थी दोनों बेटियां। और जब मैं दोनों को गले लगा रही थी तो मुझे उनको चुप कराना चाहिए कि मत रो, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाई और मैं बेटियों को रोते हुए देखे, मुझे भी कहीं ना कहीं रोना आ रहा था उस टाइम। लेकिन इन बेटियों के आंसू क्या बाकी लोगों को नहीं दिखाई दे रहे? मुझे सरकार की बात सीधे तौर पर मैं करूँ या फिर पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था, वो सब खामोश क्यों? मुझे दुख इस बात का आ रहा था कि इन बेटियों ने भारत का नाम रोशन किया और तिरंगे की शान बढ़ाई दूसरे देशों में, और आज अपने ही देश में ये हर रोज यहाँ न्याय की गुहार लगा रही हैं और ऊपर से पुलिस भी इनके ऊपर अत्याचार कर रही है। बताया जा रहा है कि बजरंग पुनिया ने चिट्ठी भी लिखी है गृह मंत्रालय को, पूरा कहा गया कि रात जो भी घटना यहाँ पर हुई उसको लेकर एक्शन किया जाए। आपको इस पूरे मामले बारे में मालूमात है कि क्या जानकारी है? जी अभी तक कोई जवाब नहीं आया है वहाँ से। बजरंग पुनिया ने चिट्ठी लिखी है और वाटर प्रूफ ये टेंट लगाने की भी परमिशन मांगी है, तो अभी तक कोई परमिशन हमें मिली नहीं है, तो जब तक मिल जाएगी तो फिर आपको बताया जाएगा। बाकी पीटी उषा की आपने बात करी, कल हमने देखा तस्वीरों में कि पीटी क्यों इतना गुस्सा, क्या बात करने आई थी, कुछ पता चला कि क्या बात उन्होंने रखी पहलवानों के सामने? पीटी उषा को मैं नहीं भगाना चाहती थी, वो खुद भाग रही थी, हमने सिर्फ उनसे सवाल किया था। जब वो यहाँ पे आई तो सीधे हमारे खिलाड़ियों से मिलना चाहती थी, 20 से 25 मिनट तक उन्होंने खिलाड़ियों से बात की। उस टाइम हमें लगा कि हो सकता है उन्होंने जो बयान दिया था वो उसकी माफ़ी मांगने आई होंगी, और हो सकता है उनसे गलती हो गई तो माफ़ी मांग के और वो बच्चों बेटियों के समर्थन में आई होंगी। लेकिन जैसे बात खत्म हुई, जो ज़्यादातर लोग जो आते हैं यहाँ समर्थन करने, सभी माइक लेके सभी सबके सामने पब्लिक ही बोलते हैं कि हम खिलाड़ियों के समर्थन करने आए और हम आपके साथ हैं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो माइक की तरफ ना जाके सीधी वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी। तब मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि आप ये बताइए कि आपने 2-4 दिन पहले जो बयान दिया था, मैंने कहा कि मैडम आप जब जीत के आई थी, देश के लिए गोल्ड मेडल आए थे, पूरे देश ने आपका सम्मान किया था, लेकिन आपने 2-3 दिन पहले जो बयान दिया है उससे आपने एक पूरे महिला शक्ति का समाज का आपने अपमान किया है, आप महिला होते हुए महिला समाज का अपमान कैसे कर सकती हैं? उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और बहुत ही गुस्से में होके वो मुझे मेरा हाथ वहाँ से हटाना चाह रही थी, लेकिन मैंने अपना हाथ नहीं हटाया। मैंने कहा कि पहले आप इसका जवाब दीजिए। वो बहुत गुस्से में होके और मेरा सवाल का जवाब दिए बगैर और साइड से भाग गई। मीडिया के किसी भी सवाल का भी उसने जवाब नहीं दिया। अगर वो सच्ची होती, सच्चे दिल से यहाँ आई होती और खिलाड़ियों के साथ होती तो जरूर मेरे सवाल का भी जवाब देती और वो मीडिया के सवालों का भी जवाब देती। आप रात भर यहाँ थी, तमाम लोग जो समर्थन में आ रहे थे, चाहे वो बड़े चेहरे हो, पॉलिटिकल फेसेस हो, तमाम लोग जब यहाँ आ रहे थे तो उनको रोका गया और इस पूरे इलाके को ब्लॉक कर दिया गया, पुलिस ने उनको डिटेन किया गया, इस पूरे जो पुलिस का जो रवैया रहा उसको लेकर क्या? मैं ये कहूँगी कि देखिए लोकतंत्र खत्म हो गया है। जब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बेटियों के ऊपर तुम पुलिस से हमला करवाते हो और उन्हीं बेटियों से मिलने के लिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, उनको आप रास्ते से उठा के बसों में डाल के लेके जा रहे, भाग गया है। सुदेश जी हमारे साथ ही जो रात भर यहाँ पर रही, पहलवानों के साथ रही, जब ये पूरा हंगामा यहाँ दिल्ली की सड़कों पर हो रहा था तब ये यहाँ मौजूद थी, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के साथ देखी गई। बताया गया कि किस तरीके से पूरा मामले की शुरुआत हुई, दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच किस तरीके से झड़प हुई।